अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके इंग्लिश के लेक्चर की टीचर मिस नू। आज के हम इंग्लिश के लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे, वर्ब्स की फॉर्म को। आए हम अब इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद मीनिंग्स। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वन वर्ड है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब मीनिंग गिरफ्तार करना या गिरफ्तारी। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स हम गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए। सेकेंड फॉर्म है ARRESTED, अरेस्टेड। थर्ड फॉर्म भी अगेन अरेस्टेड ही है, अरेस्ट गिरफ्तार करना, अरेस्टेड अरेस्टेड। सेकेंड वन है अराइज, उठना या उठाना। सेकेंड फॉर्म है अरोज, ARROSE, अरोज। थर्ड फॉर्म है अराइजन, ARISEN, अराइजन। अराइज उठाना, अरोज अराइजन। थर्ड वन वर्ड है अवेक। क्लास यहाँ पे सिलेबस मिस्टेक हुई हुई है, आप ओ की जगह पर ए राइट कर लें, अवेक जागना या जगाना। सेकेंड फॉर्म आएगी इसकी अवोक, ए की जगह पे यहाँ पे ओ मेंशन कर लें, ये अवोक है, अवेक अवोक। थर्ड फॉर्म आएगी अवेकन। फोर्थ वन इज आस्क, पूछना या पूछा, मीनिंग। सेकेंड फॉर्म आएगी ASKED, आस्क। थर्ड फॉर्म भी अगेन आस्क ही आएगी, आस्क पूछना, आस्क आस्क। फिफ्थ वन इज ब्रिंग, BRING, ब्रिंग लाना। सेकेंड फॉर्म आएगी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। थर्ड फॉर्म भी अगेन ब्रॉट, ब्रिंग लाना, ब्रॉट ब्रॉट। सिक्स्थ वन इज बाय, BUY, बाय खरीदना। सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट। थर्ड फॉर्म भी अगेन बॉट मेंशन होगी, बाय बॉट बॉट। सेवन्थ वन इज ब्रेक, तोड़ना, मीनिंग। सेकेंड फॉर्म ब्रोक, BROKE, ब्रोक। थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। एट्थ वन इज बो, मीनिंग सर के बल झुकना। सेकेंड फॉर्म बॉड, BOWED, बॉड। थर्ड फॉर्म भी बॉड ही राइट होगी। नाइन्थ वन इज ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक आंख झपकना या झपकना। सेकेंड फॉर्म ब्लिंक्ड, थर्ड फॉर्म भी अगेन ब्लिंक्ड आएगी, ब्लिंक आंख झपकना, ब्लिंक ब्लिंक। टेंथ ब्लीड, BLEED, ब्लीड बहना या खून बहना। सेकेंड फॉर्म ब्लड, BLED, ब्लड। थर्ड फॉर्म भी ब्लड। इलेवेंथ कैच, CATCH, कैच मीनिंग पकड़ना। सेकेंड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट। थर्ड फॉर्म भी अगेन कॉट, कैच कॉट कॉट। ट्वेल्थ कैरी, CARRY, कैरी उठाना मीनिंग या उठाकर ले जाना। सेकेंड फॉर्म है कैरेट, CARRIED, कैरेट। थर्ड फॉर्म भी अगेन कैरेट ही राइट होगी, कैरी उठाकर ले जाना, कैरेट कैरेट। थर्टींथ नेक्स्ट वन है कम, COME, कम आना मीनिंग। सेकेंड फॉर्म केम, CAME, केम। और थर्ड फॉर्म फिर कम मेंशन होगी, कम केम कम। फोर्टीन्थ है कैप्टिवेट, कैप्टिवेट दिल मोह लेना। सेकेंड फॉर्म आएगी कैप्टिवेटेड, थर्ड फॉर्म भी कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेट दिल मोह लेना, कैप्टिवेटेड कैप्टिवेटेड। फिफ्टीन्थ कैप्चर, CAP, कैप TURE, चर कैप्चर गिरफ्तार करना। सेकेंड फॉर्म है कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म भी अगेन कैप्चर्ड राइट होगी, कैप्चर कैप्चर्ड कैप्चर्ड।
सिक्सटीन्थ है कोलाइड, COLLIDE, कोलाइड टकराना, कोलाइडेड, COLLIDED, कोलाइडेड। थर्ड फॉर्म भी कोलाइडेड। सेवनटीन्थ कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज मुश्तमिल होना, मीनिंग। सेकेंड फॉर्म कंप्राइज, थर्ड फॉर्म भी अगेन कंप्राइज मेंशन होगी, कंप्राइज मुश्तमिल होना, कंप्राइज। एटीन्थ को इनसाइड साथ वाक्या होना, सेकेंड फॉर्म को इनसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी अगेन को इनसाइडेड। नाइनटीन्थ क्लैप, CLAP, क्लैप ताली बजाना, मीनिंग। सेकेंड फॉर्म क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड। थर्ड फॉर्म भी अगेन क्लैप मेंशन होगी, क्लैप। ट्वेंटी कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स टूट फूट कर गिरना, मीनिंग है इसका टूट फूट कर गिरना। सेकेंड फॉर्म है कोलैप्स्ड, थर्ड फॉर्म भी अगेन कोलैप्स्ड ही मेंशन होगी, कोलैप्स। सेकेंड फॉर्म कोलैप्स्ड, थर्ड फॉर्म कोलैप्स। 21 डू, DO, करना, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। 22 द नेक्स्ट वन इज ड्रिंक, पीना, मीनिंग है पीना। सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। द नेक्स्ट वन इज डिग, खोदना, सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग, डिग डग डग। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ खींचना। सेकेंड वन फॉर्म इज ड्र्यू, थर्ड वन इज ड्रॉन, ड्रॉ ड्र्यू ड्रॉन। डिले ताखैर करना या किसी चीज़ में देर कर देना, DELAY, डिले ताखैर होना। सेकेंड फॉर्म डिलेड, थर्ड फॉर्म भी अगेन डिलेड मेंशन होगी। द नेक्स्ट वन इज डेप्राइव, महरूम करना, DEP, DEPRIVE, राइव, डेप्राइव महरूम करना। सेकेंड फॉर्म इज डेप्राइव्ड, थर्ड फॉर्म इज अगेन डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड। द नेक्स्ट वन इज डिप, DIPE, डिप डबोना। सेकेंड फॉर्म इज डिप्ड, DIPPED, डिप्ड। थर्ड फॉर्म इज अगेन डिप्ड, डिप्ड। डेयर, DARE, डेयर हिम्मत करना, डेयर्ड सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म अगेन डेयर्ड है, डेयर हिम्मत करना। सेकेंड फॉर्म डेयर्ड, थर्ड फॉर्म अगेन डेयर्ड। नेक्स्ट वन इज डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट हजम करना। सेकेंड फॉर्म डाइजेस्टेड, थर्ड फॉर्म अगेन डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट हजम करना, डाइजेस्टेड। डिपेंड इन्हें सार करना, आपके सिलेबस मिस्टेक है इसको ठीक कर लें, यहाँ पे गहरा करना नहीं आएगा, आप राइट करें इन्हें सार करना, डिपेंड इन्हें सार करना। सेकेंड फॉर्म है डिपेंडेड और थर्ड फॉर्म अगेन डिपेंडेड है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको इसका क्विज भी हल करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।